मॉर्निंग 20। तो जब हम नए सेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये एक अलग प्रकार का वीडियो है, टॉपिक्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपसे रिलेटेड बेहद ज्यादा है, क्योंकि जब बच्चा 12th कर लेता है, 12th पास बच्चा जो अपना टारगेट यही रखता है कि हमें नीट अपीयर होना है, उसे क्वालिफाई करना है और अच्छी रैंक लानी है, तो उसके जहन में दो सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है कि वो किसी कोचिंग क्लासेस को करे, कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ले, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है सेल्फ स्टडी कर। सेल्फ स्टडी के साथ कई बार लोग डीएलपी लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो मैं इन्हीं दो की बात आपसे सबसे पहले सेशन में कर दूंगा। कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं या सेल्फ स्टडी करके डीएलपी ले लेते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों से बेहतर मेथड जो है वो बेहतर, दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि कोई भी मेथड इतना बेहतर नहीं हो सकता कि वही अकेले आपके मंजिल तक ले जाए। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट द रोल ऑफ द कोचिंग क्लासेस इन योर प्रिपरेशन। तो जब हम बात करेंगे कि हमारी कोचिंग क्लासेस का रोल क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम कोचिंग क्लासेस जिसे हम यूज करना चाहते हैं, जिसे अपने लिए लगाना चाहते हैं, उसका चुनाव कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि बेहद जरूरी होता है कि हम जो कोचिंग लेते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो समाज में जो बहुत तरह की कोचिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हम चुनाव कैसे। इस वीडियो में हमारा प्रयोजन ये नहीं है कि आप हमें सेलेक्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम आपके रीच में ही ना हो, आप ऐसे शहर को बिलोंग करते हो जहां पर मैं ना अवेलेबल हूं, लेकिन हम एक बेसिक बात कर रहे हैं कि जब आप कोचिंग का चुनाव करते हैं तो हमें आपको किस किस बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तब हम इन्हीं की बात करेंगे आज, हम सेल्फ स्टडी वाली बात नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एक सबसे कॉमन सी बात आती है, जब भी कोई पेरेंट या स्टूडेंट आता है किसी कोचिंग क्लास में, तो सबसे पहली बात वो पूछता है कि सर आपके यहाँ पर सिलेक्शंस कितने। अक्सर पेरेंट्स की यही आदत होती है कि सिलेक्शंस बता दीजिए। तो ये बात हर कोचिंग जो ओनर है उसे पता होता है कि आप आएंगे और आपका तकरीबन पहला सवाल यही होगा कि आपके यहाँ सर कितने बच्चे सेलेक्ट हुए या कौन सा बच्चा कौन से रैंक लाया। तो इसका जवाब वो हर कोचिंग वाला पहले से तैयार रखता है। इवन आप ना भी पूछें तब भी वो बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ अलोंग विद द रैंक आपके सामने पहले से रिप्रेजेंट कर देता है। इवन आपके रिसेप्शन पे ही बहुत सारी फोटोग्राफ आपको रिप्रेजेंट करती जाती हैं, जिससे आपको लगे कि आप सबसे बेहतरीन जगह पर। उसमें बहुत बढ़िया से रैंक्स होती हैं, रोल नंबर, नंबर, फोन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ। तो ये पहला जवाब होता है, पहले सवाल जाहिर है कुछ कोचिंग चलाने वाले को पता है, तो ये बात पहले से आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है, शायद अब आपको ये पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप अपने कभी सोचा कि जो रैंक या फोटो आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे सपोज करिए उसने कहा कि हमारे यहाँ से 45 सिलेक्शंस हुए एंड दैट गेट वैल्यू, कभी आपने सोचा कि क्या 43 बच्चे सच में इसी कोचिंग के? नहीं, नहीं सोचते हम, हमें लगता है 45 कह रहे हैं तो ठीक है। इवन कई लोग और बढ़ा चढ़ा के बातें करते, कोई 145 कहता है और कभी कोई 1450 कहता है, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, और हम इसी को ऑथेंटिसिटी मान लेते हैं कि यार कोचिंग वाला कह रहा है कितने सिलेक्शन हुए, कितने रैंक हुए, तो हम इसे बेहतरीन कोचिंग मान। अब जब आप दो तीन जगह कंपेरिजन करिए तो देखेंगे इसमें बहुत सारी फोटो जो होती है वो कॉमन होती है, कई सारी कोचिंग्स में रिप्रेजेंट की जाती है। ये बिजनेस की तरह एक मकर जाल फैला हुआ है। आप नॉर्मली जिसके प्रति इंप्रेस हुए, जो आपने कोचिंग देखी, आपने फोटो देखी, आपको बेहतर लगी और आपने उसे लगा, लेकिन कभी भी आप दो एक स्तरीय कोचिंग को देखिए, जैसे नेशनल लेवल की जो ब्रांडेड कोचिंग्स हैं, अगर आप उन्हें कंपेरिजन करें, कभी भी दो जगह फोटोग्राफ रख के देखिएगा दो पन्नों का, लेकिन ये 50% से ज्यादा फोटोग्राफ एक्चुअली इनिशियल रैंक वाली वो दोनों क्लेम करते।
अगर कोई तीसरी कोचिंग भी आप उसी स्तर की चूज कर देखते हैं तो उसमें भी ये मैच कर। और इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा बोर्ड नहीं है जो ये निर्धारित कर सके कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। तो हमारी पहला जो स्टेटमेंट है कि आप इस सिलेक्शन को आधार बिल्कुल ना बनाएं, कितने सिलेक्शन हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन। ये एक एडवर्टीजमेंट का तरीका है, कोई भी रैंक लिख दी जाएगी आप कहां जा रहे हैं उनसे, फोन नंबर कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, और कौन सा गार्जियन जाता है उस बच्चे को फोन करके पूछने के लिए बेटा आप क्या कर रहे हैं, या पहले से वो हायर्ड भी होते हैं बच्चे जिसको आप फोन कर रहे हैं, क्या फोन पे आप देख पा रहे हैं कि वही रैंक 7 वाला या रैंक 2 वाला बच्चा बोल रहा है। इससे हमारी एडवाइस है आप सिलेक्शन को बेसिक क्राइटेरिया मत लाना, क्योंकि इसमें फेक बहुत कुछ है। तो पहला बात तो यही ध्यान रखिए कि सिलेक्शंस को लेकर जो सवाल आपके मन के अंदर रहते हैं उस सवाल को छोड़ दीजिए, वो हमारा आधार नहीं होना चाहिए। अब जब बात अगर आपके के सर लोग कहते हैं जब हम सेलेक्ट होने की बात करते हैं जिस चीज को जो हमारी डेस्टिनी हम आधार उसे नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे, से क्यों नहीं बनाएंगे। पहली बात तो हमने बोला कि कई बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे रिजल्ट किसी कोचिंग के फेक होते हैं, बट इसमें बहुत सारा रिजल्ट फेक होता है, बहुत ज्यादा सा, इसलिए इसको आधार को बना लो। दूसरी बात, अगर हम आपसे कहते हैं कि सर हमारे यहां से सिर्फ 45 सिलेक्शन हुए जैसा कोई कोचिंग क्लेम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सर ये भी तो देखिए 45 सिलेक्शन हुए और पता चला वहां पे 10,000 बच्चा इनरोल था, तो वो इसको तो हाईलाइट करता है कोचिंग कि सर 45 सिलेक्शन हुए, ये हाईलाइट नहीं करता कि 9,965 बच्चा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ, इतना तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ 55। वो हाईलाइट इससे करते हैं क्योंकि आप किसी को सर्च करते हैं ये सर्च ही नहीं करते हैं। यस मीन सर्च द परसेंट, सर्च परसेंट सेलेक्शन, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना सिलेक्शन का प्रतिशत इसे जरूरी देना चाहिए। और गार्जियन कभी इसको ध्यान नहीं देते क्योंकि ये आंकड़ा कोई कोचिंग रिप्रेजेंट करती ही। अब इस परिवेश में हम आपसे एक बात करें, क्योंकि मेडिकल की कोचिंग के लिए एक हब है हमारे पास कोटा, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी अच्छी सी कोचिंग है, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, और अगर आप गए हैं कोटा तो जानते होंगे, नहीं गए हैं तो लगभग जान लीजिए 3-5 लाख या इवन मोर बच्चा मेडिकल की से प्रिपरेशन वहां पे करता है। 5 लाख बच्चा मेडिकल की प्रिपरेशन करता है, और मैं सारी कोचिंग कोटा की बात कर रहा हूं, वहां पे कई बड़ी बड़ी कोचिंग। और अगर मैं कहता हूं कि यहां पे 500 बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो हम इसे देखते हैं 500 बच्चों का जब एडवर्टीजमेंट आता है पेपर में या होर्डिंग पे, तो पेपर में तो कई पन्नों में आता है, तो हम गिनते हैं कि सर देखो कितने सिलेक्शंस हुए, सर रेशियो तो देखिए। अब आपको ये तय करना है कि क्या इसी 500 में आप हैं, सर कैश वो इसको करते हैं जो फेल्योर है उसे कैश नहीं करते। दूसरी एक और बात जानिए कि 500 बच्चे जो आपको लग रहा सर बहुत सेलेक्ट हुआ, इसमें दो वजह है, एक तो सर इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी, ज्यादा बच्चे होंगे तो जाहिर है ज्यादा सेलेक्ट होंगे, दूसरी एक और चीज हमने नजर से देखी है उनमें क्वालिटी भी बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि एक शहर का बेहतरीन बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है कोटा जाना वहां रहना उस परिवेश को, सर वो ज्यादातर बच्चा वहीं पहुंचता है। तो इस 5 लाख बच्चों में अगर आप कभी तलाशेंगे तो लगभग 10,000 बच्चा काफी बेहतरीन किस्म का होता है, विद ब्रेन बहुत अच्छा होता है। उन 10,000 बहुत बेहतरीन बच्चों में आप 500 सिलेक्शन कर रहे हो तो सब कौन सा बड़ा करिश्मा है, आप तय तो करिए आप कहां पर खड़े हैं। अगर आप 10,000 बच्चों में खड़े हैं उसमें से 500 ही सिलेक्ट होगा या 10,000 के बियॉन्ड खड़े हैं, इसे इस चीज को लेकर शहर में मन है कि कोटा हम जाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी कोचिंग है, बड़ा एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत एडवर्टाइज करती हैं,
पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, होर्डिंग में आता है, टीवी में भी अब आता है, रेडियो में भी आता है, हर जगह आप उसी को सुनते हैं तो आपके जहन में उभर जाता है कि वही सबसे बेहतर है। तो आप सोच रहे होंगे यार बुराई तो सबकी कर रहे हो, बता नहीं रहे हो कोचिंग क्लासेस चूज कैसे करें। तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप चूज ना करें, मैं ये बता रहा हूँ कि किन चीजों के प्रति आप सावधान रहें। किसी एक चीज को देकर के आकर्षित मत हो यार, बड़ा बैनर है, बड़ा ऑर्गेनाइज है, बड़ा ग्लैमरस है और बढ़िया से क्लास है, एसी रूम है, रिसेप्शन पे 10 लोग बैठे हुए हैं और बड़ी 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 फोटो देख रखी और मैंने एडमिशन लिया, अब हम सब मई का इंतजार करेंगे, हमारा बच्चा एमबीबीएस कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी भ्रम में रह करके बहुत सारे लोग अपना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और नतीजा तकरीबन शून्य रहता है। तो बात आई कि सर हम चुनाव कैसे, तो चुनाव करने के लिए मैंने अभी आपसे बताया है कि आप कोचिंग्स की इन चीजों का बहुत ध्यान मत दीजिए कि सर कितने सेलेक्ट हैं। किसी भी कोचिंग का चुनाव जो है उसके टीचर्स के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग की जो धुरी है वो उसका टीचर होता है। और किसी भी आप अगर नामी गिरामी कोचिंग में जाएंगे, आप कभी गौर करिए टीचर का नाम आपको पता ही, कौन सा टीचर पढ़ाएगा, जिवन जिसका नाम आप पहले से जानते हैं वो वहां पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कब वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज टीचर वहां का ओनर नहीं होता। ओनर एक हाई क्लास बिजनेसमैन, वो अपनी जरूरत के हिसाब से, फाइनेंशियल जरूरत के हिसाब से वो टीचर्स को अप डाउन या स्किप करता है। तो कोचिंग का चुनाव अब ब्रांड के आधार पे नहीं, नाम के आधार पे नहीं, एडवर्टाइजमेंट के आधार पे नहीं, उनके टीचर्स के आधार पे करें। वो कोचिंग के जहां पर बेहतरीन टीचर था, अब सवाल आता है कि सर ये टीचर्स हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा टीचर होता है, जो हमने भी किसी टीचर से ही सीखा होगा, कि जो आपके सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर सके। सबसे बढ़िया टीचर ये, पढ़ आप दे सकते हैं, समझ आप दे सकते हैं, लेकिन जिस चीज को आप 3 घंटे में समझेंगे एक अच्छा टीचर होगा उसे 30 मिनट में समझा देगा, इतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझा देगा कि सर वो आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ सरल चीजें ही मेमोराइज होती, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं वो चीजें मेमोराइज कभी नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात होती है टीचर के अंदर, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ता है या पढ़ाता है तो उसे क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, कई सालों से पढ़ा रहा होता है, तो उसे ये पता होता है कि इस टॉपिक में सर व्हाट विल बी रॉन्ग, गलत क्या हो सकता है फ्रॉम योर साइड, यानी हम गलतियां कहां कहां कर सकते जो सेल्फ स्टडी में नहीं देख पाता है। जब वो टीचर अपनी बात कह रहा होता है तो उस टॉपिक में बता देता है कि आप ये चीजें गलत कर सकते हैं, तो आप पहले से सावधान हो जाते, पढ़ाएगा तो सही, सच बात है वो मैंने इसी लाइन में कवर कर दिया, इस साल कर देगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि गलतियां कहां कर सकते हैं, उसे पता कैसे चल जाता है। आपके जो पूर्वज होते हैं, जो आपसे पहले उनसे पढ़ चुके होते हैं, वो जो गलतियां कर चुके होते हैं उसी से सीख टीचर को भी। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमने मान लीजिए कोई चीज पढ़ाई, फिर भी वो एग्जाम में आई और मेरे कुछ बच्चों ने गलत कर दी, तो मुझे लगा कि शायद बच्चा जो है इस जगह गलती ज्यादा करता है, तो अगले साल में उस चीज को और सिंप्लीफाइड तरीके से या कई बार अदर मीन्स उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं सही होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि एक ऐसी चीजें हैं जहां पे गलत ज्यादा हो सकता है, तो वो क्लास में हाईलाइट करने लगता है, देखिए ये गलतियां आप कर सकते हैं, तो आप उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। तो गलतियां जो आपकी हैं वो टीचर मिनिमाइज कर देता है अगर उसकी क्लास को आप बेहतर तरीके से सुनते हैं। कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं कर सकता, मॉड्यूल इज जस्ट लाइक ए बुक दैट विल नेवर हाईलाइट द पॉइंट्स व्हिच कैन बी रॉन्ग बाय योर स्टूडेंट इन एग्जाम। तीसरी एक बात आती है कि सर टीचर वही अच्छा होता है जो आपकी भाषा में पढ़ाएगा, आपकी भाषा में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करे, आपके स्तर से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करे। अगर मान लीजिए कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा है और उसको हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो शायद वो समझ तो जाएगा, क्योंकि हिंदी तो भाषा समझता तो है,
लेकिन बेहतर नहीं समझ पा रहा। तो हम जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, अगर उसी परिवेश का टीचर हमें मिले, उसी भाषा का टीचर मिले, वही लैंग्वेज इस्तेमाल करता हो जो हमारी बोलचाल की भाषा है, तो हमारे लिए समझना बेहद आसान हो जाता। हम एक ऐसे एरिया से पढ़े हुए हैं जहां पर जो बोलचाल की भाषा है वो सामान्यतः हिंदी है या थोड़ी बहुत इंग्लिश है टूटी फूटी, तो हमारा टीचर भी सर इसी भाषा का हमारे लिए अनुकूल, वो बेहतरीन इंग्लिश बोलता हुआ अगर टीचर होगा, लाख अच्छा टीचर हो, दैट इज नॉट बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेहतरीन नहीं। तो वो टीचर अच्छा है जो आपकी भाषा में ही बात करे, आपके स्तर से बात करे और हमेशा आपको एप्रिसिएट करे। टीचर के बहुत सारे गुण होते हैं, वो आपका ब्रदर भी है, आपका फादर भी है, आपकी मदर भी है, आपका फ्रेंड भी है, तो वो हर तरह से आपको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि लंबा फेज होता है, 8 से 10 महीने की हमारी प्रिपरेशन होती है, उसमें ये बहुत जरूरी होता है अप्रिशिएट करें, कभी डिमोरलाइज ना करें, नेवर डिमोरलाइज, क्योंकि क्लास में ना हर तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, कमजोर बच्चे भी होते हैं, तो कभी कभी टीचर क्या होता है किसी बच्चे से सवाल पूछता है और पूछ करके उसको ह्यूमिलेट करता है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ हो, उल्टी सीधी बातें कर देता है, तो बच्चा डीमोराइज। तो बीइंग अ टीचर आई शुड नो कि बच्चा कमजोर है, अगर थोड़ी भी बातें बता रहा है यस इट्स टाइम टू क्लैप, कोई अच्छा बच्चा है तो अच्छी बातें बता रहा है इसे अगेन टाइम टू क्लैप, लेकिन सर उसको भी तो अप्रिशिएट करिए, क्योंकि एवरेज बच्चा कब सर है, अगर हम सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात करेंगे इन बच्चों की, तो उसमें तो सेलेक्ट हो गई। सर इसका एक बड़ा अच्छा काम करते हैं कि ब्रांडेड कोचिंग वाली बात करें, जहां बड़ी बड़ी कोचिंग की हम बात करते हैं उस जगह पे, वो क्या करते हैं, उनके पास मान लीजिए 1.5 लाख बच्चा आया किसी के पास, बड़ी बड़ी कोचिंग से ऐसा है, उन 1.5 लाख बच्चों में से जो बहुत सुपीरियर किस्म के बच्चे होते हैं वो शुरू के 2 महीनों में छांट लेते हैं, और छांट करके मान लीजिए उन्होंने 500 बच्चे छांट लिए, फल बहुत बेहतरीन किस्म के बच्चे, अब इन 500 बच्चों पे बहुत गजब का वर्क रियल वर्क हो रही है, सारा कुछ एफर्ट इस पे कर देते हैं, उन्हें मालूम है इनमें से 100 जो है वो बहुत बेहतरीन रैंकर्स हैं, और क्या किया उन्होंने, इन 1.5 लाख में से सिर्फ 500 को छांटा, वर्क 500 पे किया, और आपके पास 1,45,900 बच्चे जो रह गए वो चुपचाप उसी भीड़ में खो जाते, इनसे वो कैश करते हैं, वर्क इस पे करते हैं। तो सर जरूरत यही वर्क हर बच्चे, आप भी तो फीस लेते हो तो आप यहीं पे क्यों रह जाते हो, तो कहते नहीं आपका बच्चा कमजोर है, तो कमजोर है तो फिर आया किस लिए है, वो सीखने ही तो आया है। सर स्टूडेंट्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, अगर हम ऐसे ही हर क्लास से बैचेस से अच्छे अच्छे बच्चे को छांट लेंगे और उन्हीं को वर्क करेंगे तो वो तो सेलेक्ट होंगे ही। सर एवरेज बच्चे को, कमजोर बच्चे को कौन सिखा रहा, और वही बच्चा डिमोराइज होता है, फिर गलत तरह के डिसीजन लेता है, जैसा कि आज आप देख पाते हैं अखबारों में बच्चा डिमोराइज होकर के अलग जो ऐसी चीजें कर लेता है जिसके लिए पेरेंट्स फिर अपने आप को कभी माफ नहीं करते। सर हमारा कहना है कि आप टीचर पर आधारित होकर के अपनी कोचिंग का चुनाव करें, जो आपके स्तर पर आकर बात करता हो, आपकी बात करता हो, आपकी भाषा में बात करता हो, लगे कि सर हमारा भाई पढ़ा रहा है, हमारे पापा पढ़ा रहे हैं, हमारा वो साथी पढ़ा रहा है जो हमारे बगल का, बगल का इन द सेंस कि हमारे परिवेश का पढ़ा। अगर मुझे को आप भेज दीजिए कि सर अमेरिका में जाकर के किसी बच्चे को पढ़ाई, आई कैन नेवर टीच दैट, बिकॉज अमेरिका की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो जिस इंग्लिश की वो बात करते हैं, वो इंग्लिश मेरी ना है ना हो सकती, आई कैन नॉट बी गुड टीचर फॉर द अमेरिकन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं उस परिवेश का हूं ही नहीं, मैं उस स्तर को टच भी नहीं कर सकता हूं। तो सर यही चुनाव आपको करना है, तो आप चुनाव करते वक्त आप कोचिंग के एडवर्टीजमेंट को ध्यान में दें, टीचर बेस्ड की बात करें। एक और छोटी सी बात जान लें, हम जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमने अभी शुरू में आपसे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम कोचिंग्स में एडमिशन ले लेते हैं तो सेलेक्ट हो जाते हैं। सर ये सच बात जानिए, सिलेक्शन कोई कोचिंग नहीं करा सकता, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं करते हैं,
सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोचिंग या टीचर जो भी हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो सिर्फ असिस्ट करती है, बस बेहतर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो आप सिलेक्शन के नजदीक चले जाएंगे। आपके अंदर होना चाहिए जुनून, आपके अंदर होनी चाहिए जी, हट होना चाहिए सर, हार्डवर्क करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, सब कुछ आपके अंदर चाहिए। अगर वो आपके अंदर नहीं है सर, कहीं भी आप रह लीजिए सर, कोई नतीजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अंदर वो है तो आप अगर कहीं भी रहें, बस आपका टीचर आपको असिस्ट करता रहे, जो कैन भी सर। एक अंतिम बात समझ लें सर, टीचर वो सबसे अच्छा है जो टॉपिक को इजी करे। सर यही बात मैंने पहली लाइन में भी कही थी, सिंप्लीफाई कर सके, जो टॉपिक को इजी कर सके, जिसकी डिक्शनरी में टफ वर्ड नाम की चीज ही ना हो, जो रटने की बात ना करे, समझने की बात करे। रटने की बात अगर कोई टीचर करता है इसका मतलब उसे खुद नहीं पता। साइंस में कुछ भी रटना नहीं होता है, अगर चीजें सिंप्लीफाई कर दी जाए, सरल तरीके से पढ़ा दी जाए आपको, तो खुद ब खुद वो रट है। यस, तो मैंने वीडियो खाली आपको इसलिए बनाया कि जब आप कोचिंग्स का चुनाव करें तो इस पॉइंट्स को जेहन में रख के करें कि सर हमें इजियर तरीके से पढ़ना है, रटने की बात कतई नहीं कर। आई थिंक ये नीट 2020 में आपको अगर इस तरह से चुनाव करेंगे, इन बातों का ध्यान रखकर चुनाव करेंगे, तो डेस्टिनी आपकी वही होगी जिसके लिए आज आप सर्च कर रहे हैं। We'll be right back.